हेलो गाइस, मेरा नाम है साजिद मदान। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे टाइपिंग टेक्स्ट के बारे में। दोस्तों, टाइपिंग टेक्स्ट कैसे क्रिएट करना है, बहुत ही इजी प्रीमियर के अंदर। और दोस्तों, काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स आपने पहले भी देखे होंगे, लेकिन इसमें अभी हम नया मेथड इस्तेमाल करेंगे। आइए दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे आपके पास कोई प्री वेडिंग है या हाईलाइट है, तो जैसे ये मेरे पास शॉट है, इसके ऊपर मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ अपना। तो आपने सबसे पहले लेगसी टाइटल क्रिएट करना है। यहाँ पे जाके न्यू में जाके यहाँ पे आपको दिखाई देगा लेगसी टाइटल, देन ओके ओके। यहाँ पे पॉपअप आपका आएगा। ओके, यहाँ पे आप लिखेंगे लड़का लड़की का नाम लिख दिया। फॉन्ट आप कोई भी रख सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये फॉन्ट ले लिया और अपनी फुटेज के ऊपर रखूंगा दोस्तों, कुछ इस तरह से। ओके, और मैं इसका जो साइज है थोड़ा कुछ बड़ा कर दूंगा, देन ओके 140 कर देता हूँ। ओके, फॉन्ट आप कुछ भी, क्योंकि मैं सिर्फ आपको टाइपिंग सिखा रहा हूँ किस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों। ओके, मैं टी राजन रख देता हूँ, यहाँ से चेंज कर देता हूँ। ओके, सैम्पल के लिए मैंने यही फॉन्ट रख दिया है। आपने क्या करना है, सबसे पहले ओपसिटी के अंदर जाना है। यहाँ से आप टूल लेंगे, मास्क टूल, देन उसके बाद टूल लेने के बाद आप यहाँ पे मास्क पाथ ऑन करेंगे। ओके, मास्क पाथ ऑन करके आप बिल्कुल अपने जो बॉक्स है उसे बाहर ले जाएंगे, अपने फॉन्ट्स के बाहर। फैदर जीरो कर देंगे एक बार, जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट हो। ओके, बिंदु को स्टार्टिंग में ले जाएंगे। ओके, मैं चाहता हूँ कि देन एक स्टॉप के बाहर मेरा एक फॉन्ट आ जाए, देन बॉक्स को आगे ले जाना है आपने। ओके दोस्तों, यहाँ से कॉर्नर पकड़ के आपने पीछे कर देना अपना बॉक्स। तो उसके बाद क्या है कि सबसे पहले वन फॉन्ट आया, उसके बाद पांच स्टॉपेज लेनी है। 1 2 3 4 5 स्टॉपेज लिए, मार्क पॉइंट ऑन किया, देन एक स्टॉपेज आगे गए और दूसरा फॉन्ट बाहर लेके आए। ओके दोस्तों, यही स्ट्रेटजी। आगे क्या किया हमने, 1 2 3 4 5 स्टॉपेज लिए, पॉइंट लगाया, उसके बाद एक स्टॉप और गए आगे, देन एक फॉन्ट लेके आए दोस्तों। ये स्ट्रेटजी आपने करनी है दोस्तों। इसी तरह से मैं सारा फॉन्ट को रिवील करूंगा दोस्तों। 1 2 3 4 5 देन पॉइंट किया, देन उसके बाद दोस्तों आगे एक स्टॉप गया एंड एक एक नेम मैं रिवील करता गया। थोड़ा जल्दी कर देता हूँ दोस्तों, आपको समझने में ईजी हो जाएगा। सिर्फ यही स्ट्रेटजी अपनानी है। ओके दोस्तों, तो मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, हमारा टाइपिंग रेडी है। अब क्या करना है, साउंड इफेक्ट। तो साउंड इफेक्ट लेने के लिए आपने क्या लिखना है गूगल पे, मतलब यूट्यूब के ऊपर, कीबोर्ड साउंड इफेक्ट, मतलब कीबोर्ड का जो एंटर है उसका साउंड इफेक्ट हमें चाहिए। तो बिल्कुल 1 सेकंड का ये रहा, हमें मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है टाइपिंग वाला ही, आपको पता है इंडिया में जुगाड़ चलता है। तो दोस्तों, ये देखिए बन गया आपका टाइपिंग वाला साउंड इफेक्ट। तो ये आपने ये डाउनलोड कर लेना है। चलो जी, ये हो गया हमारा डाउनलोड। देन आपने पिक करना है
और अपने प्रीमियर के अंदर लेके आ जाना है दोस्तों। प्रीमियर के अंदर जैसे लेके आएंगे आपके फाइव स्टॉप ओके, देन नीचे रखना है ओके, डन हो गया काम। ALT 8 दबाना है, ठीक है जी। इसकी भी उतनी ही लेंथ रखेंगे ओके, देन आर्ट, देन आर्ट, इसी तरह से आप पूरा कॉपी करते जाएंगे ओके। इनको कॉपी कर लेते हैं, देन इसको कॉपी कर लेते हैं। टाइपिंग बन गई, तो बस जहां जहां आपका पिन हो रहा है मतलब फॉन्ट, तो इसको पूरे को सिलेक्ट करना है दोस्तों कि म्यूजिक से साउंड इफेक्ट ज्यादा है, उसे नेस्ट करना है। नेस्ट करने से आपका साउंड इफेक्ट एक बन जाएगा और उसके बाद उसकी जो वॉल्यूम है कम कर दो दोस्तों, अभी भी ज्यादा लग रहा है तो और कम कर दो। जैसे मैंने अपने वीडियो में किया है तो इस तरह से आप अपना जो टाइपिंग टेक्स्ट है क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। अगर सिंपल वाला करना है वो तो बहुत इजी है दोस्तों, मास्किंग करना। देखिए इसी तरह से बॉक्स लेंगे आप, देन यहां से दोस्तों मास्क पाथ ऑन करना है और प्ले किया, देन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा टाइटल रिवील हो जाए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक ओके। दोस्तों मास्क फेदर देंगे हल्का सा, देन मैं प्ले करता हूँ ओके। तो इस तरह से भी, पर ये आपका टाइपिंग वाला फील नहीं आएगा दोस्तों, ये तो बहुत इजी है। तो दोस्तों आप सब लोगों ने देखा टाइपिंग टेक्स्ट कैसे क्रिएट करना है, साउंड इफेक्ट कैसे चूज करना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। ग्रेंडिया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।